जहां एक तरफ प्रधानमंत्री एक देश एक चुनाव वाले फॉर्मूले को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों को जोड़ने में लगे हैं, तो वहीं मायावती इसका खुलकर विरोध कर रही हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को एक देश एक चुनाव पर सभी राजनीतिक पार्टियों की बैठक बुलाई है। बैठक में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती शामिल नहीं होंगी। मायावती ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास और छलावा मात्र है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, किसी भी लोकतांत्रिक देश में चुनाव कभी कोई समस्या नहीं हो सकती है और न ही चुनाव को कभी धन के व्यय अपव्यय से तौलना उचित है। देश में एक देश एक चुनाव की बात वास्तव में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बढ़ती हिंसा और ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं से ध्यान बांटने का प्रयास मात्र है। आपको बता दें कि देश में पिछले काफी समय से एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराने को लेकर चर्चा छिड़ी है। इसी बहस को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में राष्ट्रीय पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष को शामिल होना है। ये बैठक बुधवार दोपहर 3 बजे संसद भवन की लाइब्रेरी में होगी। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक में आने से इनकार कर दिया है।